नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। कोरोना महामारी के दौर में अनाथ हो चुके बच्चों की मदद के लिए देहरादून स्थित CAIMS और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ने लाजवाब पहल शुरू की है। ग्रुप ने कोरोना त्रासदी में अनाथ हो चुके बच्चों को निशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की है। बागेश्वर जिले के काफली गैर तहसील निवासी और एडवोकेट ललित मोहन जोशी देहरादून में स्थित CIMS और UHIMT ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान ऐसे 100 अनाथ बच्चों को निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करेगा जो कोरोना के चलते अनाथ हुए हैं। इस दौर में हम में से कई साथियों ने, कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, इसलिए हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस दौर में हम सब लोग ऐसे बच्चों के लिए आगे आएं। क्योंकि मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूं, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को गवा दिया है, अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन बच्चों को CIMS और UIHMT कॉलेज के माध्यम से निशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने ग्राम मालधन चौड़ में तुमरे डैम में क्षेत्र के लोगों की वर्षों से चली आ रही पुल की मांग को पूरा करते हुए पुल का भूमि पूजन किया। इस पुल के निर्माण से रामनगर से जसपुर की दूरी भी कम होगी। विधायक ने बताया कि 6.50 करोड़ रुपए की लागत से 15 महीने के अंदर ही पुल तैयार होगा। नया डैम फर्स्ट और सेकंड के बीच में पुल का निर्माण होना है। 6.5 करोड़ की इसकी लागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका शुभारम्भ करना था, लेकिन कोविड के कारण हमें नहीं होने के कारण तो मैं वो सिखा दिया कि पूजन आप कर लें। तो आज हम इसका हमने शुभारम्भ भी किया है। जो हमारा मुख्य रूप से ये वो भी है, जसपुर जाने के लिए भी यहाँ के लोगों को बहुत सा समय बचेगा, और मैं सोचता हूँ कि रामनगर के लोग भी अगर यहाँ से जसपुर जाना चाहेंगे तो उनका भी समय बहुत बचेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नरेंद्र नगर के श्रीदेव सुमन कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अस्पताल में स्थापित नए ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल के CMS डॉक्टर अनिल कुमार नेगी से अस्पताल की पूरी जानकारी भी ली। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। कोटद्वार में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। जाम लगने का मुख्य कारण है सड़कों के किनारे आड़े तिरछे वाहन। कोटद्वार पुलिस ने यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सड़क के बीचों बीच पार्किंग बना दी है। अभी केवल पुलिस इसको ट्रायल के रूप में देख रही है। अभी बद्रीनाथ रोड पर ही इस ट्रायल को किया जा रहा है। अगर इसके रिजल्ट अच्छे आए तो फिर अन्य जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा। आजकल थोड़ा सा कम हमारा ट्रैफिक का फ्लो हो रहा है, तो उस पे अभी ट्रायल बेसिस पे हमने बीच में पार्किंग का, कई आपने बड़े शहरों में देखा होगा मिडिल पार्किंग करते हैं, तो ट्रायल बेसिस पे उसको शुरू करा है। अगर उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं और हमारे जो जाम लगता है ये थाने से आगे और झंडा चौक तक, इसमें हमें सहूलियत मिलती है, तो उसको आगे भी जारी रखेंगे। टिहरी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला चिकित्सालय में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के पैम्फलेट बांटे गए। वहीं राजकीय महाविद्यालय कमान में वर्चुअल इवेंट का भी आयोजन कर छात्र छात्राओं ने तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई। जिला चिकित्सालय में CMO डॉक्टर सुमन आर्य के निर्देश पर तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू के दुष्प्रभाव और धूम्रपान न करने वालों पर भी इसके प्रतिकूल असर की जानकारी दी गई। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना के भी से फैलने के चांस होते हैं। जो लोग तंबाकू खा के यहाँ वहाँ थूकते हैं उस पर सरकार ने फाइन भी लगाया है, उस दिशा में हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। दूसरा, सिगरेट पीने से जो हमारा तंत्र होता है, श्वसन तंत्र, वो कमज़ोर हो जाता है और कोरोना की बीमारी को लगती जल्दी है। दूसरा, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव कोई हो भी जाता है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस और उसके भर्ती होने के और उसकी मृत्यु तक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेरा सभी से आज के दिन ये अनुरोध है कि इस बुरी आदत को छोड़ें। टिहरी जनपद के चंबा विकासखंड में हंस फाउंडेशन ने आशा कार्यकर्तियों, नगरपालिका कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों को मेडिकल किट और कोरोना संक्रमण से बचाव की सामग्री दी। नगर स्थित सुमन पार्क में हंस फाउंडेशन के द्वारा शहीद गबर सिंह नेगी मेला समिति के सहयोग से कोरोना रोकथाम कार्यों में जुटी विकासखंड के आशा कार्यकर्तियों और जनप्रतिनिधियों को जरूरी सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर नगरपालिका के अध्यक्ष सुमन नमोला, समिति के अध्यक्ष इंद्र सिंह नेगी और अन्य लोग मौजूद रहे।
कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए जहां एक ओर वैक्सीनेशन और दवाइयों का युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी को भगाने के लिए बाबा केदार के दरबार में भी दुआएं मांगी जा रही हैं। केदारनाथ में मौजूद तीर्थ पुरोहित नियमित रूप से रुद्राभिषेक कर बाबा केदार से कोरोना महामारी के खत्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली है, इसके कारण केदारनाथ धाम की यात्रा बंद है और हम लोगों द्वारा जो यहाँ के केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं, भगवान केदारनाथ जी का नियमित पूजन अर्चन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के निवारण के निमित्त हम लोग यहाँ पर डेली भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं और इसका फल दिख भी रहा है कि कोरोना महामारी का धीरे धीरे प्रभाव कम हो रहा है। मैं भगवान केदारनाथ जी से यही प्रार्थना करूँगा, हे भगवान, जो महामारी है इसका जल्द से जल्द विनाश हो और जो जनजीवन है पहले की तरह सामान्य हो, आपके सभी भक्त आपके दर्शन के लिए पहुंचे। जय बाबा केदार। सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हुई। आपको बता दें कि पहाड़ों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखी गई है। हेमकुंड साहिब में 4 से 5 फीट तक की बर्फ जमी है, जिससे निचले इलाकों में भी तापमान गिर गया है। जोशीमठ के रैणी क्षेत्र में ग्लेशियर की स्थिति का जायजा लेकर वापस लौटी एसडीआरएफ की एक टीम के मुताबिक ग्लेशियर से कोई खतरा नहीं है, साथ ही ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी हुई झील भी साफ है। पूर्व में ग्रामीणों ने ग्लेशियर के ऊपर दरार पड़ने की आशंका जताई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को मौके पर मुआयना करने के लिए भेजा गया। अचानक आए तूफान के चलते उधम सिंह नगर में बिजली के खंभे और आम की फसल क्षतिग्रस्त हो गई। खंभे गिरने से जसपुर क्षेत्र में काफी लंबे समय तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग के साथ साथ बिजली विभाग भी जगह जगह पर लोगों को निजात दिलाने में जुट पड़ा। 2 महीना हो गए हम यहाँ रहते हुए। कितना नुकसान हुआ इस आंधी से? इस आंधी से कम से कम 1.25 लाख रुपए का नुकसान है। क्या मांगे हैं आपकी अब सरकार? अब सरकार साहब क्या दिलाती है इसको, ये तो सरकार के ऊपर उचित मुआवजे की मांग है हमारी। ये सुबह 3 बजे करीब लगभग तूफान आया था, मैं फील्ड में था उस समय, लेकिन अचानक हमारे घर में जहाँ रहते हैं कैंपस में, वहाँ एक बड़े का पेड़ था, बहुत पुराना पेड़ है वो पीपल का, वो गिरा, वो हमारे छत में गिर गया। मेरी पत्नी अंदर थी, मैं भी तो बाहर था, और जो है वो अच्छा वो कमरा बच गया हमारा। लोग मैसेज आ रहे हैं कि वहाँ पेड़ शिवर का पेड़ गिर गया, रास्ते ब्लॉक हैं, तो हम लोग लगे हैं कि ये तो संदर्भ है भाई, अधिकारी आदेश जो होगा वो हम करेंगे। पिथौरागढ़ के रहने वाले पर्वतारोही मनीष कसन्याल ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह की है। मनीष की इस उपलब्धि से पिथौरागढ़ जिले में खुशी की लहर है। सोमवार सुबह 5 बजे मनीष ने एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया। मनीष के साथ इस अभियान में सिक्किम की मनीता प्रधान भी मौजूद रही। मनीष ने भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के बैनर तले एवरेस्ट को फतह किया है। बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के डॉक्टरों ने भी मोर्चा खोल दिया। आईएमए के आह्वान पर पिथौरागढ़ में चिकित्सकों ने जिला अस्पताल परिसर में बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। डॉक्टरों का कहना कि बाबा रामदेव ने अपने बयान से देश के उन तमाम डॉक्टरों के मनोबल को गिराने का काम किया है, जो दिन रात एक कर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। रामदेव जी के ने जो बयान दिया था डॉक्टरों के खिलाफ, जो उनकी शब्दावली थी, उससे हम लोग बहुत ही आहत हैं। पूरा हमारा आईएमए का संगठन और पीएमएचएस का संगठन उसका पूर्ण रूप से विरोध करता है। इस तरह की भाषा का उन्होंने डॉक्टरों के प्रति उपयोग नहीं करना चाहिए था, जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं वो सर्वदा अनुचित हैं। इस तरह से हम लोग बहुत आहत हुए हैं, इसलिए आज हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है कि उसमें आईएमए के साथ हम आज आईएमए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उनका पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। पोखरी के बल्ली गांव में माता पिता का साया उठने से 2 बालकों के सामने रोजमर्रा की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये जानकारी ग्राम प्रधान गीता देवी ने देते हुए बताया कि उनकी ग्राम सभा में 2 भाई 16 वर्षीय धीरज लाल और 14 वर्षीय नीरज लाल माता पिता के निधन से अनाथ हो गए हैं। अब उनके सामने भरण पोषण की समस्या पैदा हो गई है। फिलहाल गाँव वाले ही इन्हें खाना पीना दे रहे हैं, लेकिन इन्हें अब भविष्य की चिंता सताने लगी है। मेरी 11वीं की पढ़ाई चल रही है, मेरे माता पिता की देहांत हो चुका है। मुझे आपसे तो निवेदन है कि जो भी मेरी मदद करने के लिए मदद करने का प्रयास करें, आप सभी का आभारी रहूँगा। आज यहाँ पर हम एक गरीब परिवार जो कि इस समय एक भारी विडम्बना से जूझ रहे हैं, जिनको आज मदद की दरकार है,
आज हम आए हैं वली गांव में, कुदरत के कहर ने पहले पिताजी और उसके बाद माताजी का देहांत हो गया है। उसके बाद नीरज और धीरज दो ये बच्चे हैं, अभी इनकी पढ़ाई चल रही है, कक्षा 11 और कक्षा 9 के ये छात्र हैं और आज इन लोगों को मदद की दरकार है। समा 365 आप सभी से अपील करता है कि इन लोगों की मदद के लिए आप लोग आगे आएं और ऐसे लोग जिनको जिनकी समाज को सख्त ज़रूरत है, ऐसे लोगों की मदद के लिए आप किसी भी प्रकार से आप इनकी मदद कर सकते हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।